हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजुअल स्टूडियो के एक एरर कोड के बारे में। जब हम कोई प्रोग्राम बना करके इसको जब रन कराना चाहते हैं तो ये एक एरर आता है। जैसे मैंने एक क्लास डॉट सीपीपी बनाई है जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको रन करा रहा हूँ जी प्लस प्लस कंपाइलर में, तो यहाँ पर डॉट क्लास डॉट सीपीपी ये मैं टाइप करके रन करता हूँ तो देखिए ये एक एरर कोड आ रहा है। अगर इसको आपको रिजॉल्व करना है तो इसका एक सिंपल तरीका है कि आप जो फाइल है इसको आप सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस दबाइए। ये जब सेव हो जाएगी, इसके बाद में अगर आप रन करेंगे तो ये देखिए अभी एरर नहीं आया। और अगर आपको इसका अब क्या होगा, इसकी exe फाइल बन गई होगी और इसका अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप डॉट स्लैश जो इसकी exe फाइल है उसको रन करा के ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल ट्रिक थी जिससे कि हमारा ये एरर कोड हमारा यहाँ से चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।